नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिलेश शर्मा लेजर एंड कॉस्मेटिक सर्जरी सेंटर से एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। मैं अपने पिछले वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। आपके कमेंट्स भी आए हैं और जिनका मैंने आपको आंसर भी दिया है। आज अपन बात करेंगे कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में, जो प्लास्टिक सर्जरी की एक ब्रांच है। और कॉस्मेटिक सर्जरी एक बहुत बड़ी, बहुत पॉपुलर और बहुत ज़्यादा काम में आने वाली ब्रांच है। बल्कि देखा जाए तो प्लास्टिक सर्जरी को कॉस्मेटिक सर्जरी का सिनोनिमस माना जाता है। कॉस्मेटिक सर्जरी कवर करती है पूरी बॉडी को, टॉप टू बॉटम, सिर से लेके पैर तक, हर अंग की कॉस्मेटिक सर्जरी होती है। और कॉस्मेटिक सर्जरी कोई बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं होती है। सिर से अगर अपन बात करें तो हेयर ट्रांसप्लांट, जिसमें शरीर के बाल लेके लगाए जाते हैं, फोरहेड पे फोरहेड लिफ्ट किया जा सकता है, जो कि बहुत यूथफुल अपीयरेंस देता है। आईब्रोज़ को अप किया जा सकता है, जो एज के साथ ड्रूप कर जाती है। आईलिड्स को रिजुवेनेट किया जा सकता है सर्जरी के द्वारा या फैट इंजेक्शन के द्वारा, इसे ब्लेफरोप्लास्टी कहते हैं। उसके बाद चेहरे का सबसे मेन अंग आता है नाक। नाक की शेप कई बार ख़राब होती है, किसी चोट लगने के कारण, किसी ऑपरेशन के बाद, या बाई बर्थ भी हो सकती है। और नाक की सर्जरी के लिए, जिसे राइनोप्लास्टी कहते हैं, बहुत सारे व्यक्ति आते हैं और सर्जरी करवाते हैं। नाक के अलावा अगर देखें तो होठ को मोटा किया जा सकता है, पतला किया जा सकता है, शेप में लाया जा सकता है, होठ को रिजुवेनेट किया जा सकता है, जो एज के साथ में जिसमें झुर्रियाँ आ जाती है। चेहरे की झुर्रियों के लिए राइटाइडोप्लास्टी करते हैं, जिसे कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं फेस लिफ्ट। उसके अलावा फेस पे डिम्पल बनाए जा सकते हैं, फेस पे एक्ने के स्कार्स हटाए जा सकते हैं, और चिन को ऊंचा, छोटा या बड़ा किया जा सकता है। चीक बोन्स को ऊंचा किया जा सकता है, क्योंकि हाई चीक बोन्स आर सपोज टू बी मोर ब्यूटीफुल देन द लो चीक बोन्स। आईलिड्स की सर्जरी करके, ख़ासतौर से चाइनीज़ आईलिड को अपन नॉर्मल उसमें ला सकते हैं। कान की सर्जरी करके, जैसे कान कई लोगों के आगे आए हुए होते हैं, वो ओटोप्लास्टी द्वारा किया जा सकता है। चिरे हुए कान जो होते हैं, कान में बालियां पहनने के कारण जो चिर जाते हैं, वो आधे घंटे की सर्जरी में बिल्कुल नॉर्मल हो सकते हैं। गर्दन पे जो झुर्रियाँ आ जाती है, उनको यूथफुल करने के लिए नेक लिफ्ट की जा सकती है। अगर बॉडी में देखें तो बॉडी में मेन पार्ट आता है एब्डोमन और चेस्ट। मेल चेस्ट में ऑलमोस्ट 25-30% लोगों के मेल चेस्ट एबनॉर्मल होते हैं, और वो फेमिनाइन टाइप में होते हैं, माइल्ड टू मॉडरेट। इसे गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। लाइपोसक्शन नामक एक सर्जरी द्वारा 1 से 1.5 घंटे की सर्जरी में नॉर्मलाइज हो सकते हैं, और पेशेंट अपनी सेल्फ एस्टीम वापस प्राप्त कर सकता है। अदरवाइज़ फीमेल ब्रेस्ट में ब्रेस्ट की साइज़ बढ़ाई जा सकती है, ब्रेस्ट की साइज़ घटाई जा सकती है। जिनके बहुत ज़्यादा हैवी ब्रेस्ट होते हैं, वो काफ़ी तकलीफ़ पाती हैं स्त्रियाँ। और उसके अलावा मल्टीपल प्रेगनेंसी और एज के साथ ढलके हुए ब्रेस्ट को भी मैमोप्लास्टी द्वारा अप किया जा सकता है। लाइपोसक्शन द्वारा शरीर के किसी भी हिस्से की बॉडी जो फैट को हटा सकते हैं, और उस फैट को अपन कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं, कि जैसे पेट का फैट निकाल के ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। टमी टक किया जा सकता है, जो कि मल्टीपल प्रेगनेंसी के बाद में एब्डोमेन पे बहुत ज़्यादा लूजनेस आ जाती है। बटक, थाई और काफ और आर्म लिफ्ट की जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है और कम की जा सकती है। नाखूनों की सर्जरी हो सकती है, और बताइए क्या नहीं हो सकता है। मैं आपसे एक बार फिर प्रार्थना करूँगा कि आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी जानकारी लेनी हो, तो कृपया करके मेरे फेसबुक पेज पे विजिट करें और अपनी क्वेरीज डालें। मैं आपको उत्तर देने के लिए तत्पर रहूँगा। थैंक्स ए लॉट फॉर व्यूइंग माय वीडियो।